आज हम बार्बी, केन और उनकी प्यारी बेटी के साथ पार्क में जाने वाले हैं। परिवार मजे कर रहा है, लेकिन अब एक रहस्यमय यूएफओ दिखाई दे रहा है। अरे नहीं, ये बार्बी की बेटी को ले गया। यूएफओ ने जल्दी से एक बड़े लाल ग्रह के लिए उड़ान भर ली है। What can we do now? बार्बी और केन को एक आइडिया आया है, तो ये अपनी बेटी को एलियन से बचाने के लिए अब ये सुपर हीरो बन जाएंगे। बार्बी कैप्टन मार्वल में बदल जाएगी, जो बहुत मजबूत है लेकिन सुंदर और प्यारी भी है, जो एक टाइट फिटिंग सुपरमैन ड्रेस में है, जिसमें छाती में सोने का सितारा और शक्तिशाली ब्लॉकी मोटिव्स भी है। ड्रेस के लिए अच्छे से बाल भी बनाएंगे। चलो इसे लाल, नीला और पीला रंग से रंग दें, ताकि बार्बी को एक ड्रेस मिल सके जो कि कैप्टन मार्वल जैसी हो। सही है, बाल शानदार सूरज की तरह पीले ही होंगे, है ना? ड्रेस को अधिक चमचमाती बनाने के लिए चमकीली धूल लगाएंगे। चलो बार्बी को ड्रेस पहनाते हैं। बार्बी कितनी जबरदस्त लग रही है। अब हम केन की पोशाक तैयार करेंगे। केन टाइट फिटिंग ड्रेस के साथ स्पाइडरमैन में बदल जाएगा, जिसमें मकड़ी और मकड़ी के जाले होंगे। हम इस शानदार स्पाइडरमैन ड्रेस को पूरा करने के लिए नीले और लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे। चलो केन को तैयार होने और मखोटा पहनने में मदद करें। वाह, केन एक सच्चा स्पाइडरमैन बन गया है। लाल ग्रह पर यूएफओ उतरा है और एक विशाल हरे रंग की टेस्ट ट्यूब में बार्बी की बेटी को बंद कर दिया गया है। बार्बी और केन अपनी बेटी को बचाने आए हैं। दोनों तरफ से कितनी तेजी से लड़ाई हो रही है। हुर्रे, एलियंस के खिलाफ दो सुपर हीरो जीते हैं। पृथ्वी पर वापस चलो। अब पूरा परिवार फिर से मौज मस्ती करने के लिए बाहर जा रहा है।
और UFO फिर से आए हैं, पर इस बार हम तैयार हैं। आज हम बारबी के परिवार के साथ जंगल में एक मजेदार पिकनिक मनाने जा रहे हैं। रात को यहाँ रुकना और रात का खाना भी होगा। वाह, बच्ची बड़े आराम से स्वादिष्ट खाना खा रही है। अरे नहीं, डरावनी सांप राक्षस मेडुसा दिखाई दे रही है और उसने बच्ची को पकड़ लिया है। उसने बच्ची को पत्थर में बदल दिया है और भाग गई है। कैन और बारबी उनकी बेटी का बचाव करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसने इन्हें भी नीचे गिरा दिया है। हमारी बेटी को कैसे बचाएं? बारबी के पास एक आइडिया है। आइए अपनी बेटी को बचाने के लिए बारबी और केन के लिए युद्ध ड्रेस बनाते हैं। पहले वाली ड्रेस बारबी की है, जो बहादुर शक्तिशाली लेकिन बहुत ही आकर्षक और सुंदर एथीना योद्धा देवी की लड़ाकू कपड़ों से प्रेरित है। सिर की सुरक्षा के लिए एक हेलमेट बनाएंगे और सूरज की तरह शानदार पैटर्न वाली एक मजबूत ढाल भी। योद्धा सैंडल की एक सही जोड़ी भी बनाएंगे। जादुई छड़ी एक बहुत ही जरूरी हथियार है। योद्धा देवी की शक्ति और महान बल दिखाने के लिए ड्रेस में शानदार और मजबूत सूरज जैसा नीला रंग करेंगे। बहुत सारे चमचमाते सितारों को जोड़ने से ड्रेस अधिक शानदार हो जाती है। चलो बारबी को ड्रेस पहनाते हैं। बारबी बहुत ही अच्छे तरीके से एक देवी में बदल गई है। अब केन की योद्धा ड्रेस बनाने का समय आ गया है। केन शक्तिशाली मजबूत भगवान पर्सियस में बदल जाएगा। मर्दानगी दिखाने के लिए केन की ड्रेस में कई खास कोणीय है। बेशक सिर की सुरक्षा के लिए एक हेलमेट भी है। और पैरों की रक्षा के लिए योद्धा जूते। लड़ने के लिए एक मजबूत ढाल, दस्ताने और एक जादुई छड़ी भी बनाएंगे।
हम केन के लिए भी पीला रंग ही करते हैं। मुझे लगता है कि पीला सकारात्मक, खुशी और ऊर्जा को दिखाता है। क्या आप ऐसा ही सोचते हैं? चलो इसे केन को पहनाते हैं। वाह, केन अब एक शक्तिशाली भगवान बन गया है। राक्षस खो में मेडूसा एक लोहे के पिंजरे में बंधकों को पकड़े हुए है। बार्बी और केन बंधकों को बचाने आए हैं। ओके। लेकिन मेडूसा वापस आ गई है। वह बार्बी को डराना चाहती है, लेकिन बार्बी बुराई को रोकने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल करती है। केन भी यही करता है। बार्बी मेडूसा को मारने के लिए अपनी छड़ी का उपयोग कर रही है, लेकिन उसने बार्बी को ही नीचे गिरा दिया है। केन जल्दी से अपनी छड़ी के साथ राक्षस के दिल को छेद रहा है। वह मर गई है। बंधकों को वापस बच्चों में बदल दिया गया है। कमाल हो गया। बार्बी और केन को उनकी बेटी को सफलतापूर्वक बचाने के लिए शुभकामनाएं।